खजोंबिंग। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अरंगल 2.0 का गेम प्ले। तो अभी हम लॉबी पे आप देख सकते हो भाई। तो गाइस ये देखो कैसे प्रकट हुआ है हनुमान की तरह। तो गाइस मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि नए नए अपडेट आएंगे मैप के साथ, कितने अपडेट्स आएंगे, क्या क्या अपडेट आएगा, जैसे कि स्पॉन DBS M249 स्पॉन होंगी और बाकी चीज़ें सब आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हर चीज़ बताऊँगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इन्जॉय करो। तो गाइस प्लेन उड़ चुका है हमारा, ठीक है। तो बाकी जब तो सेम से ही लग रहा है मैप। एक बार आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, मैप कैसा होगा हमारा। तो गाइस मैप तो सेम ही लग रहा है, सब कुछ सेम ही, नाम भी सब सेम ही लग रहा है। एक दो जगह का नाम शायद बढ़ा दिया है, बाकी सब तो सब सही लग रहा है। लैंग्वेज में पढ़ सकते नहीं। तो चलो आते हैं, जंप करते हैं हम और दिखाते हैं। तो जोर्जो पे हम आए, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली एक ही ने रिकॉर्ड किए, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐप नॉट सपोर्ट आ रहा था, मतलब ऐप नॉट इंस्टॉल भी आ रहा था, ठीक है। तो जॉर्जो पे आए, जॉर्जो काफ़ी लुक अच्छा हो गया अभी, ठीक है। अबे भाई क्या ही, मतलब क्या ही एक नंबर आउट एनिमेशन दिया है भाई पैराशूट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक नंबर। बाकी आप वेयरहाउस देखो, वेयरहाउस का बाहर से तो थोड़ा लुक चेंज किया है, अंदर से देख लेते हैं एक बार। तो हमारे AK भैया आ गए हैं अंदर। अंदर से शायद थोड़ा सा स्पेस कम कर दिया, वेयरहाउस को थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया मेरे को वेयरहाउस को देखने में, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा करते थे, थोड़ा सा फ्री फायर वाला लुक होता लग रहा है। बाकी तो ओवरऑल तो वैसे अच्छा है, लेकिन वेयरहाउस थोड़ा इतना मतलब साफ़ सुथरा सा करते हैं थोड़ा, और वो वाला मतलब ग्राफिक्स में वो मज़ा नहीं आ रहा वेयरहाउस के। बाकी और देख लेते हैं अभी, ओवरऑल आपको एक बार दिखा देते हैं जॉर्ज पुल कैसा होगा। चल जाते ऊपर, तो देखो ये जॉर्ज पुल है। जॉर्ज पुल थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन देख सकते हो आप, मेरे ख्याल से शायद मैप भी थोड़ा छोटा कर दिया, जिस हिसाब से मेरे को जॉर्ज पुल वगैरह छोटे दिखाई दे रहे हैं। बॉट आ गए तो इसको तो मार ही देंगे, ठीक है, लूट कर लेते हैं। तो बाकी गाइज हम आ चुके हैं रोज़ोक पे, रोज़ोक की पहाड़ी आप देख रहे हो, बिल्कुल रेलिंग्स वगैरह यहाँ पे लगा दी गई हैं। थोड़ा सा कवर मिल जाएगा, ऐसे इतना कवर नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है जो भी है दे दिया गया है। और यहाँ पे आप गार्ड टावर पे आओगे रूम्स पे, अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है स्नाइपर के लिए, यहाँ से शॉट ले सकता है। तो स्नाइपर को तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है ये, अरे रेविएशन से किसने किसको मार दिया। तो ठीक है, ये देखो बाकी रोज़ों का आप देख रहे हो बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा कंपाउंड से कलर चेंज है, बाकी तो मेरे को सब कुछ सेम लग रहा है। इतने भी कलर चेंज नहीं है, एक दो कंपाउंड्स के लग रहे हैं। तो रोज़ों तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। गाड़ी में भी आप देख रहे हो, गाड़ी में थोड़े शीशे वीशे लगा दिए, ये बात मैं नोट करना भूल गया था, ठीक है। अब आते हैं हम स्कूल पे, स्कूल आप देख रहे हो, स्कूल का कलर चेंज कर दिया गया है बिल्कुल। और जो कि बंदे जहाँ जहाँ कैंप करते थे ना कोने में घुस घुस के, वहाँ पे डब्बे लगा दिए गए हैं, बॉक्सेस ऐड कर दिए गए हैं, तो वहाँ बैठ नहीं सकते आप, यहाँ बैठ के बिल्कुल बास्केटबॉल मैच भी देख सकते हो। इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है इन्होंने, साफ़ सा कर दिया थोड़ा सा, अगर वैसे साफ़ तो पहले ही था, लेकिन उन्होंने कलर थोड़ा चेंज किया है, तो वो कलर की वजह से थोड़ा ज़्यादा साफ़ लग रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना मेरे को थोड़ा उतना मज़ा नहीं आ रहा, ग्राफिक्स थोड़े हल्के से लग रहे हैं इस कलर की वजह से। अगर कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता, थोड़ा गेम जो वाला कलर होता है जैसे पहले था, तो उसको ही थोड़ा सा और अपग्रेड करते, हाई ग्राफिक्स वाला कलर करते तो ज़्यादा पसंद आता। लेकिन रूफ़ का भी आप कलर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट सा कलर दे दिया, मज़ा उस हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा देखने में। लेकिन अरंगल अगर मैं बात करूँ, मैं PC वर्जन अभी अरंगल 2.0 खेल चुका हूँ, उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि अच्छा लग रहा था, लेकिन कलर तो थोड़ा उससे थोड़ा लो कलर दिख रहा है मेरे को। लेकिन कोई नहीं, फिर भी कुछ चीज़ें नया खेलने को मिलेगा, नया चीज़ें देखेंगे मिलेंगे यहाँ पे स्कूल पर, आप गेट देख सकते हो। और यहाँ पे चाचा चौधरी की वो होते हुए करती थी स्टैच्यू स्कूल के बीच में, वो नहीं है, दो झंडे लगा दिए, ठीक है। तो ये देख लो ओवरऑल स्कूल आप देख सकते हो कैसे है, दो झंडे लगा दिए हैं वो दिए, और ये स्कूल का एरिया जो कि ऐसे ले सकते हो। अब आ गए हैं कोचिंग की पे, कोचिंग की स्कॉल आप देखो गाइस क्या ही ऑसम भाई, एक नंबर। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको यहाँ पे लॉकर रखे गए हैं, जो कैंपर छुप जाते हैं उनको करने के लिए, नौ बंदे यहाँ छुप जाते हैं। तो ठीक है, रेड जोन पे भाई, रेड जोन आपने साउंड देखा, एक चीज़ आपने नोट की नहीं की, ये कि भाई आपको दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। ये एक ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, गन से नहीं होगी वो चीज़, आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो नोट किया नहीं किया, ठीक है दोबारा देखो, ये
देखो मैप पे देखना, देखो आप जो विंडो ब्रेक होगी ना उसके आपको इमोट आएगा, और नाइट का भी आपको साइन दिखेगा मैप में, ठीक है? तो विंडो ब्रेक का भी साइन दिखेगा और नाइट का भी साइन आपको मैप में देखने को मिलेगा भाई। एक नंबर अपग्रेड हुआ है। अब आपको एक चीज़ और दिखाएंगे स्मोक की, हमारे एक भैया ये देखो हो गया। ये सुनो गाइस, मतलब स्मोक का भी साउंड आ रहा है भाई, एक नंबर अपग्रेड कर दिया भाई, क्या ही बताएं, एक नंबर। काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की गई हैं, काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की गई हैं भाई, क्या ही बताएं, ठीक है? तो ये देख सकते हो उसका ऑर्डर आप काफ़ी ओपी, ठीक है? स्मोक की आवाज़ अभी तक आ रही है, जब तक स्मोक चलेगा तब तक आवाज़ आएगी स्मोक की, ठीक है? तो ओवरऑल आप कोचिंग की वो देख लो, कोचिंग की सर कलर चेंज किए हैं गए हैं, बाकी तो कोचिंग की सेम सा ही देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है? तो भैया लोड तो भाई देखो लोड तो चाहिए भाई, आगे के बोर्ड पर मारेंगे। तो ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं जो जो पे। 信号接收区外，信号值会减少，到临时会被淘汰。 यह कर查看倒计时，得知剩余时间。कहना चाह रहे हैं कि आप जोन में एंटर हो चुके हो, तो आप जैसे ही आप ब्लू जोन के अंदर होंगे तो आपको सिर्फ जोन में सर्वाइव करने के लिए 160 सेकंड मिलेंगे, 160 सेकंड। उसमें आपके डैमेज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस सेकंड में अगर आप रहते हो जोन में तो ठीक है, वो सेकंड पूरा होते ही आप एकदम किल हो जाओगे जोन से। तो जो लोग जोन में टाइम करके बैठता है ना, तो उनके लिए ये डिसएडवांटेज है कि भाई जोन के बाहर लूट करेंगे, शेप खेलेंगे वगैरह वगैरह, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल से बॉडी खत्म कर देनी चाहिए थे। चलो एक बार आप देखो, यहाँ पे मिलिट्री बेस काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, ये यहाँ पे स्टैचू वगैरह लगा दिए गए हैं। तो पीसी वाला पूरा अपग्रेड तो नहीं किया, थोड़ा बहुत ही अपग्रेड किया मैंने। 信号值越低，承受攻击会加重，可用能量饮料、止痛药等回复信号值。 तो जोन से टाइम में जा रहा है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। जी जी मैंने बताया आपको कि जोन पर टाइम पूरा होते एकदम किल हो जाएंगे। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि मेरे पबजी मोबाइल में आपको मिलेगी, क्योंकि तेरी काफ़ी यूट्यूबर्स ने ये चीज़ें नहीं बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कि आने वाले अपडेट आएंगे। ये आप देख सकते हो टावर, आप देख सकते हो बिल्कुल जो भी टूटा पड़ा है, लेकिन चढ़ सकते हैं इस पर, ऐसा नहीं है। अभी भी बस लुक चेंज किया इसका। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो खत्म हो गया, मैं आ रहा हूँ जोन के बाहर, ठीक है? तो एक के भाई हमारे जोन के बाहर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ रहे हैं अभी। और टाइम देखो भाई, क्या ही क्या ही क्या ही टाइमिंग पे आप जोन से निकलेंगे भाई, ये देखना बिल्कुल निकल गए 1 नैनो सेकंड पे के भाई जोन से निकले, 1 नैनो सेकंड पे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो जैसे जोन में एंटर हुआ ना तो फिनिश हो गए, वो क्यों हो गए? क्योंकि उन पर टाइम नहीं था। तो आपका टाइम वही चलता रहेगा, आप जोन में कितनी बार भी एंटर होगा, नया टाइमर आपको नहीं मिलेगा, वही टाइम आपका होगा चाहे आप जोन में कितनी बार भी एंटर करो। तो ये था आज की वीडियो में, होप कि आपको लोग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइज़।